it has come to the notice that the world's biggest engineering blunder happened in the Kaleshwaram project. And if you look at the sites of Medigadda to others, they have seen the leakages and how the dam site is affected. Now the question arises is, what kind of malpractices and corruption has happened during the last few years in this project? How the project cost has been escalated to 1.35 lakh crore rupees? It clearly shows that the money has exchanged hands, poor practices and the corrupt practices has happened. And the question arises, why the Chief Minister and his family is quiet on this, and what kind of money has been taken out of this project? Sir, Bhupesh Baghel, of course, yes, there should be inquiry into this matter. At the same time, action should be taken against all those who are involved in the thousands and thousands of crore rupees of corruption in this project. महादेव ऐप के माध्यम से 508 करोड़ रुपए का भुगतान महादेव ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं भूपेश बघेल जी को देने की बात है। और मैं ये कहना चाहता हूं, इससे स्पष्ट पता चलता है कि कैसे भ्रष्टाचार की नई ऊंचाइयों को छुआ है कांग्रेस ने। छत्तीसगढ़ में प्रचलित था भ्रष्टाचार करो भूपे करो, यानी पे भूपेंद्र जी को पेमेंट करो। और ये देखा गया, चाहे कोयला घोटाला था, शराब घोटाला था, गोठान घोटाला था, किसी भी घोटाले में नाम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों का ही आगे आया है। ईडी जांच कर रही है, नोटिस भी दिए गए हैं। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है, राहुल गांधी और खड़गे जी से है, बोलिए अब विदेशी ताकतों का भी उपयोग कर रहे हैं? सत्य के रास्ते नहीं, सट्टे के रास्ते सत्ता पाना चाहते हो? विदेशी ताकतों और विदेशी पैसे से सत्ता पाना चाहते हो? ये सवाल खड़ा होता है, आखिरकार कांग्रेस विदेशी पैसे, विदेशी ताकतों और विदेशी लोगों पर निर्भर क्यों है, और सट्टे वाली ऐप के माध्यम से पैसा क्यों दिया गया, इसका जवाब दो। सर, कमलनाथ ने जो बयान दिया है बाबरी मस्जिद को, कमलनाथ जी चुनाव आते हैं तो कोई जनेऊ पहन लेता है, कोई मंदिर पहुंच जाता है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, ये वही लोग हैं जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी आज तक तुष्टिकरण में ही रही, और जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटो और राज करो इसी नीति को लेकर रही, जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुशासन और विकास के नाम पर ही वोट मांगा है।